हेलो ट्रेडर्स, मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 28 दिसंबर को ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था NSE and BSE पे, तब से लेके जो कि ये कंपनी का स्टॉक लगातार गिरते जा रहे। तो यहाँ पर ये कंपनी पे हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें पोजिशन को होल्ड करना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और आजाद इंजीनियरिंग जो कंपनी है, जो स्टॉक है, कहां पर सपोर्ट ले सकते हैं और कौन कौन सा लेवल इस स्टॉक के लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम स्टॉक मार्केट की रिलेटिव लगातार वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, हमने आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का जो है वन डे चार्ट को यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है ना। आज से लेके देखेंगे तो ये कंपनी अभी इस मार्केट में 8 दिन ट्रेड हुआ है और 8 दिन से जो कि मार्केट यहाँ पर डाउनफॉल किया है, ठीक है ना। तो इस स्टॉक का जो लिस्टिंग है यहाँ पर 720 यानी 1920 का रुपीस के अंदर जो कि यहाँ पर लिस्टिंग हुआ था, और तब से लेके जो कि यहाँ पर डाउनफॉल कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, यानी अभी तक जो भी ट्रेडर यहाँ पर, यानी जो भी इन्वेस्टर बाई करके रखा था, वो सभी ट्रेडर जो कि यहाँ पर अगर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर अभी देख सकते हैं। आज के दिन अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया, ठीक है ना। ये जो लेवल है, ये अगर देखेंगे 660, ठीक है ना, 660 का आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया था, फिर भी यहाँ पर जो कि एंड ऑफ द मतलब डे, ठीक है ना, यहाँ पर 330 तक यहाँ पर नीचे जाके क्लोजिंग दिया है, यानी यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया था, फिर जाके यहाँ पर सेलर फिर से हावी हो गया है और फिर जाके यहाँ पर नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हो, इस कंपनी में पैसा लगा दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो अलग बात है। बट अगर आप यहाँ पर IPO में इन्वेस्ट करके अभी पोजिशन को होल्ड कर रहे हो, ठीक है ना, तो नीचे अभी जो लो बनाया है, आज का जो लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 648-50 के बीच में ये जो सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं, ठीक है ना। या हो सकता है 500 चला जाए या 500 से और नीचे चला जाए। तो जो भी इन्वेस्टर, यानी जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग किया है, यहाँ पर या हो सकते हैं आप ऊपर से बाइंग करके आ रहे हो, ठीक है ना, अभी तक होल्ड करके रखे हो, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो और भी हमें यहाँ इस स्टॉक पर फॉल हमें दिखने के लिए मिल सकते हैं, यानी और भी नीचे यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप इस लेवल पर बाइंग किए हो, मान लीजिए आपने इस लेवल पर बाइंग किए हो 660-650-670, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं कल परसों अगर इसको ब्रेक करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो भी इस लेवल पर मतलब ये लेवल पर बाइंग किए हो, तो हो सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें निकल जाना सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद ये स्टॉक कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि स्पेस कंपोनेंट एंड टर्बाइन के ऊपर जो कि ये सप्लाई में काम करता है। तो इस स्टॉक का जो कि डिटेल्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है ना, iskana.com पे आप जाके देख सकते हैं, इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी आप अपने ऊपर जो कि डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो आप अगर स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें और भी ज़्यादा फॉल इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। और अभी देखिए यहाँ पर इस स्टॉक पर एक जो कि ट्रेल लाइन बना था इस तरह का, इसको भी ब्रेक किया, पर यहाँ पर ऑपरेटर क्या किया, यहाँ पर जो कि फॉल्स ब्रेकआउट देखे फिर यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, बहुत सारे लोग ये इस लेवल पर बाइंग किया है, जो भी लोग इस लेवल पर बाइंग किया है तो इसके नीचे जो मैंने यहाँ पर अभी मार्क किया है आज का लो, ठीक है ना, इसको आप स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे ख्याल से। और अगर इसको ब्रेक करता है तो आप निकल जाइए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एनालिसिस पसंद आया होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।